को प्रॉपर्टी का विवाद होने से आए दिन फोन पर दी जाती हैं गालियां व जान से मारने की धमकी। सुल्तानपुर से खबर है जहां थाना क्षेत्र कोतवाली नगर की रहने वाली शिव कुमारी वाइफ ऑफ वीरेंद्र यादव रानीगंज गौरबारी सुल्तानपुर की एक मजबूर व लाचार महिला दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कोई सुनने वाला नहीं है। प्रार्थनी का उसके चाचा राम खेलावन सुतकल्लू के साथ जमीन व मकान का विवाद चल रहा है। इसी संयंत्र के तहत उसके चाचा अपने रिश्तेदारों राम प्रवेश यादव जो अपने चाचा के यहाँ ही रहता है वह और उसके सहयोगी लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वह सब लोग आए दिन फोन पर भद्दी भद्दी गालियाँ और जान से मारने की धमकी दिया करते हैं। क्या मामला है और किस बात को लेकर क्या आज आप कब्जा हमारे चाचा से मुकदमा चल रहा है जमीन के मैटर से। उसके बाद जो है सर वो बार बार धमकी दे रहे हैं जान मार तुम्हें यहाँ से चली जाओ नहीं तुम्हें जान से मार देंगे और दूसरों के दूसरे अदरवाइज नंबर से बार बार फ़ोन किया जा रहा है तुम्हें जान से मार देंगे और अपहरण कर दे यहाँ से चली जाओ यहाँ से भाग जाओ। वो सर कह रहे हैं कि मैं अभी जांच में कार्रवाई करूँगा। फिर सर हम फिर सर चले आए हमसे जी कोतवाली कल गए थे परसों गए थे तो तीन एप्लीकेशन सर पढ़ चुका है इसके एक महीने पहले से भी कई एप्लीकेशन पढ़ चुका है सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर कुछ नहीं कार्रवाई हुई जाके देख के बस चले आते हैं सर। दिन से आप इस बात पे सर तीन दिन से हो रहा है सर। ये मैटर से सर जो है मुकदमा चल रहा है कई सालों से चल रहा है सर। ये फोन आता है सर लगभग एक हफ्ते से आ रहा है जी सर। मैं पहले वो सर कहता है कि जो है गंदी गंदी गालियाँ देता है कहता है कि तुम्हारे पूरे परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा। या एक बार जो फोन आया था सर लखनऊ तुम चली आओ मैं सीओ का लड़का मैं बोल रहा हूँ मैं इनको जानती तक नहीं हूँ सर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं सर कि तुम यहाँ से अपहरण कर देंगे तुम्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे तुम अगर आई नहीं तो। हाँ नाम क्या है सर? शिव कुमारी रानीगंज गोराबारी सुल्तानपुर। कोतवाल साहब कहें जाओ अभी जाँच करवा रहा हूँ सर। जी अभी तक तो अभी आज ही दिए थे सर उसके पहले दिए थे एप्लीकेशन गए थे बस चले कहे कि जो है 1000 रुपया लिए उसके बाद मैं चाचा के यहाँ गए फिर उसके बाद जो है 1000 रुपये लिए फिर कह रहे हैं कि जो है इसको मुकदमा ये एप्लीकेशन वापस ले लो। सर मैं सिपाही जो गए थे सर था? जी सर विवेक नाम था सर जी सर एक अकेले थे सर एक ही थे सर विकास नाम है सर एक ही सिपाही गए थे सर। क्या नाम है उसका? विकास कुमार जी सर। उसमें क्या कार्रवाई थी? उसमें सर बस देख के चले आए सर कहे कि मुझे जो खर्चा वर्चा दे दे 1000 रुपये दिए फिर मेरे चाचा के यहाँ गए चाचा के यहाँ से वापस आए कहीं इसको मुकदमा किसको फाइल जो एप्लीकेशन वापस ले लो जी सर। अभी सर दूसरे नंबर से आया था मैंने रिसीव नहीं किया मैं थक गई फोन उठाते उठाते जी नहीं। आप अकेली रहती हैं घर पे? सर मैं अकेली रहती हूँ मेरी माता जी रहती हैं। हमारे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं सर पाजा हॉस्पिटल में इस समय सर मैं भी ड्यूटी कर रही हूँ। सर हम दहशत घबराए हुए हैं सर हम एकदम परेशान हैं सर हम अपने जान अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं जान दे दूँगी सर फांसी लगा के मर जाऊँगी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए तंग कर दिए सर। जी सर विवाद में चाचा चल रहा है उनके साल का लड़का भी यहीं रहता है वो भी धमकी देता है अभी जो है एक महीने दो महीने पहले एप्लीकेशन पड़ा हुआ था सर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई सर जो है ईंटा मारते हैं अद्धा मारते हैं गालियाँ देते हैं रास्ते चलते हैं छेड़खानी भी करते हैं जो परवेज हैं वो छेड़खानी भी करते हैं कहते हैं कि तुम लोग यहाँ चली जाओ नहीं तो मैं इधर उधर कर दूँगा समझ लो तुम्हें जान से मार दूँगा किसी हालत में रह जी नहीं पाओगी तो।